हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे इंग्लिश 302 का 18th लेसन। और बेसिकली एक पोएम है, इस पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और इसको लिखा है आपके पोएट निसिम इज़ेकिल ने। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये कहती है कि नाइट ऑफ स्कॉर्पियन यानी बिच्छू की जो रात थी, बिच्छू स्कॉर्पियन को कहते हैं। तो इस पोएम में क्या है, जो पोएट की मदर हैं उनको बिच्छू काट लेता है और किस तरीके से फिर उनकी रात गुजरती है, तो वो इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा है पोएट अपना, मतलब उसके साथ ये सच में घटना हुई है कि सच में उसकी माँ काटती है, उस माँ को उसका जो बिच्छू होता है वो काट लेता है, तो वो सारी बात इसमें है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को, रीड करेंगे हम इस पोएम को अच्छे तरीके से और मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट आपको करूँगी। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, यानी मुझे अच्छी तरीके से याद है वो रात जब मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने काट लिया था, यानी बिच्छू ने काट लिया था। स्टंग का मतलब क्या होता है, स्टंग का मतलब होता है काट लेना। ठीक है, स्टिंग की ये सेकेंड फॉर्म है। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, यानी कि 10 घंटे से जो लगातार तेज़ बारिश आ रही थी, हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, उस लगातार 10 घंटे की बारिश ने उस बिच्छू को क्या करया, उसने उसे क्रॉल करने पर मजबूर कर दिया, यानी कि वहाँ से रेंगने पर मजबूर कर दिया। और वो कहाँ जा छुपा, एक सैक ऑफ राइस में। सैक का मतलब होता है बोरी, ठीक है, जो चावल की बोरी होती है उसमें वो जाकर छुप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रेज द रेन अगेन, तो अब कहता है कि जो उसकी वो वहाँ से वहाँ पर वो बोरी में छुप गया और वहीं पर उसकी मदर कुछ कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपना जहर उसकी जो मदर है उसमें पार्ट कर रहा है। पार्ट का मतलब होता है अपने आप से अलग करना, पार्टिंग करना। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, और हमें सिर्फ और सिर्फ जब वो उसकी मदर के फीट पर काटता है, फीट मतलब उनके पैरों पे काटता है। ठीक है, और वहाँ पर उसकी ये जो लोग होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ पोएट को और उसके फादर को सिर्फ और सिर्फ उसकी डायबॉलिक यानी शैतानी, डायबॉलिक का मतलब होता है शैतानी, टेल का मतलब पूंछ, सिर्फ और सिर्फ उस अंधेरे कमरे में उसकी पूंछ दिखाई देती है जो बहुत शैतानी सी लग रही थी। ही रिस्क द रेन अगेन, और उसने जो बारिश है उसको फिर दोबारा जोखिम में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अब वो उसकी माँ के जो पैर हैं उसमें वो बिच्छू बिल्कुल अपने आप को गड़ाए हुए हैं और जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा निर्दयी सी उसकी माँ के लिए साबित हुई है। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, यानी कि पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, यानी जो उसके आसपास के जो पड़ोसी थे, जो किसान थे उसके गांव के, वो उस तरीके से आए जैसे एक मधुमक्खियों का झुंड आता है। स्वॉर्म्स का मतलब होता है झुंड और फ्लाइज का मतलब आपको पता है मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे किसान उसकी तरफ आए, क्योंकि जब एक इंसान को चोट लगती है किसी भी एक घर में तो उसके आस पड़ोस के बंदे भाग ही आते हैं, और यहाँ तो बिच्छू ने काटा था। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द ईविल वन, यानी उन वो जो लोग आए किसान उन्होंने कई बार भगवान का नाम लिया, कम से कम 1000 बार। बज का मतलब होता है कि बहुत, मतलब भिन भिनाना। ठीक है, जैसे मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भिन भिना कर इस तरीके से भगवान का 1000 से भी ज़्यादा बार नाम ले रहे थे कि जो ईविल वन है, जो बिच्छू है, वो पैरालाइज हो जाए। क्योंकि ये एक अंधविश्वास है, ऐसा माना जाता है कि जो बिच्छू होता है अगर वो पैरालाइज हो जाए वहीं पर, तो वो जो इंसान है उसका जहर वो फिर हटने लग जाता है और फिर वो बच जाता है। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, यानी उनके हाथों में क्या था, जो पीजेंट्स आए थे उनके हाथों में मोमबत्तियाँ थी, उनके हाथों में लालटेन थी। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेग्ड वॉल्स, और जो मोमबत्ती और जो लालटेन थी वो क्या कर रही थी, वो बहुत जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ी, स्कॉर्पियन की बहुत बड़ी एक शेडो बन रही थी उनके मड बेग्ड वॉल पर। मड बेग्ड का मतलब है जो मिट्टी होती है, मिट्टी से पकी हुई, मिट्टी को पकाकर जो बनाई गई दीवार होती है उस पर, क्योंकि पहले के लोग इसी तरीके के घर में रहते थे जो मिट्टी से बना होता था। ठीक है, तो उस पर बहुत बड़ी शेडो बन रही है जो उसकी माँ के पैरों में, जो बिच्छू
फंसा हुआ है उसकी, ठीक है। शेडो मतलब छाया, जब आप भी देखते हैं ना, जब मोमबत्ती जलाते हैं, अंधेरा है बिल्कुल, तो वहाँ पर छाया बनने लग जाती है। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसे ढूंढा, ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी टंग्स को, अपनी जीभ को क्लिक करने की कोशिश करी, विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, और जितने भी वो मोमेंट, यानी कि जितनी भी वो हलचल कर रहा था स्कॉर्पियन बिच्छू, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। और वो कहता है, ये लोग कहते हैं कि जितने भी ये मूवमेंट करेगा ना, मतलब जितने भी ये हलचल करेगा, जहाँ भी ये जाएगा, वो कहते हैं कौन, पीजेंट्स कहते हैं, किसान कहते हैं, कि उतने ही उसकी माँ के ब्लड में, उसकी माँ के खून में वो जहर फैलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक अंधविश्वास बताया गया है एक तरीके से, उन्होंने ये कहा सभी किसानों ने, जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग थे, कि जितने भी मूवमेंट्स वो स्कॉर्पियन करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कॉर्पियन जा चुका है वहाँ से अब निकल कर, उसकी माँ के पैरों में से, और वो कहते हैं कि जितने भी मूवमेंट्स, जितने भी हलचल वो करेगा, उतना ही ज़्यादा जहर तुम्हारी माँ के खून में बहता चला जाएगा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेट। अब वो कहता है कि तुम्हारी जो सफरिंग है, मतलब जो तुम इतना ज़्यादा सहन कर रही हो, उसकी माँ से कहते हैं कि तुम्हारी ये जो सफरिंग है, जो तुम्हारी ये सहनशीलता है, जो तुम इतना ज़्यादा सहन कर रही हो, कि हो सके तो वो कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून्स, यानी कि जो आगे आने वाले तुम्हारे अगले जन्म के जो तुम्हारे मिसफॉर्च्यून्स है, जो भी तुम्हारे साथ गलत चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी शायद इस चीज़ से ख़त्म हो जाए। मतलब इसका कहने का ये है कि तुम्हें बिच्छू ने काटा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी अगले जन्म में तुम कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आने वाली हैं, तो वो इस जन्म में ही तुम्हारी कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। मे द सम ऑफ ईवल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गॉड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। और वो कहता है कि जितने भी बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं जो इस अनरियल वर्ल्ड में है, ठीक है, वो कहता है कि वो लोग सभी मिलकर कहते हैं, जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे जीवन में इस पूरे संसार में जो अलग अलग बुरी बुरी चीज़ें हैं, वो सारी बैलेंस हो जाएं, और तुम्हारे जो अच्छे कर्म हैं उससे तुम्हारा जो दर्द है वो कम हो जाए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही तुम्हारा ये जो पेन है ये कम हो सकता है। मे द पॉइजन प्योरीफाई ऑफ फ्लैश, और जो जहर है, वो कहते हैं जो जहर है वो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे फ्लैश को, फ्लैश का मतलब होता है पूरा जो शरीर में खून होता है और जितनी भी हमारी मांस चमड़ी जो भी है, वो सभी प्योरीफाई हो जाए, ठीक है, सभी धुल जाए। ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेट। तो वो कहता है कि तुम्हारे जितने भी इच्छाएं हैं वो भी सारी प्योरीफाई हो जाएं, तुम्हारी जो एम्बिशन है यानी जो तुम करना चाहती हो वो भी सारी सही हो जाएं और धुल जाएं। दे सेट, उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माय मदर इन द सेंटर, और वो सभी कहाँ बैठ गए, उसकी माँ जो बिल्कुल सेंटर में लेटी हुई है उस फर्श पर, और वहाँ वो सभी उसके चारों ओर बैठ गए, ठीक है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सभी के फेस पर एक समझने वाली पीस थी, शांति थी, मतलब उन सभी के फेस पर अब शांति थी, और वो ये कह रहे थे शांति से ही, शांति दिखाकर, कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और वो कहता है पोएट कि अब और भी ज़्यादा कैंडल्स आने लग गई, लालटेन, और भी ज़्यादा पड़ोसी आने लग गए, और इसके अलावा और भी ज़्यादा हमारे घर में इंसेक्ट्स आने लग गए, और ये जो ना थमने वाली बारिश है वो भी ज़्यादा होने लग गई, ठीक है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू groaning on a mat। अब वो जो उसकी माँ है, क्योंकि उसको जहर उसके लगा हुआ है, काटा हुआ है, तो इसीलिए वो जो है वो ट्विस्ट कर रही हैं, मतलब कभी इधर लुढ़क रही हैं कभी इधर, और वो एक चटाई जो होती है, मैट जो होती है, उस पर रो रही हैं, बिलख रही हैं, ठीक है। मतलब जब किसी इंसान को कोई चीज़ काट लेती है तो वो किस तरीके से करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर, तो वैसे ही उसकी माँ जो है रोते बिलखते हुए चटाई पर इस तरीके से कर रही हैं। माई फादर, अब वो अपने पिता के बारे में बताता है कि इसका पिता क्या करता है, स्केप्टिक रैशनलिस्ट।
अब उसका पिता जो है वो स्केप्टिक है, मतलब इन सभी बातों को नहीं मानता जो उनके ऊपर जो उनके रिश्तेदारों ने सॉरी जो नेबर्स है पड़ोसी हैं उन्होंने कही कि इसके पुराने जन्मों का फल है शायद ये, या फिर नए जो इनके अगला जन्म है उसके सारे पाप इससे धुल जाएंगे। तो ये सारी बातें उसका पिता नहीं मानता, रैशनलिस्ट है ठीक है, तो वो सारी बातें नहीं मानता, वो तर्कों पे वो ज़्यादा फैक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास रखता है। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उसने क्या किया उसके पिता ने, अब हर तरीका आजमा लिया ठीक है, जितने भी उसके पास कर्स थे जितने भी उसके पास ब्लेसिंग्स थी वो सारी उसने आजमा ली, जिसमें कि उसने पाउडर लगाया, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, यानी कि जो भी उसके पास पाउडर थे मिक्सचर थे हर्ब थे यानी दवाइयाँ जो उसकी पत्तियों वगैरह की बनी होती है, हाइब्रिड थे वो सभी उसने लगा लिया यूज़ कर लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। He even poured a little paraffin, और उन्होंने उसके पिता ने एक जो छोटा सा वो होता है paraffin क्या होता है, paraffin वैसे तो basically जो मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम होता है उसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर paraffin बोला गया है केरोसिन को ठीक है, जो केरोसिन तेल होता है उसको भी उसने उनके फीट पर उनके जो टो है जहाँ पर बिच्छू ने काटा था वहाँ पर डाला ठीक है, अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट, और फिर पैराफिन डालकर केरोसिन डालकर उनके पैर की उंगली पर बिच्छू ने काटा था तो वहाँ पर उन्होंने मैच का मतलब है माचिस की तिल्ली भी लगा दी ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आग जलेगी और जो जहर है उनका मानना था कि यहाँ रुक जाएगा। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है उनमें फ्लेम यानी आग लगी हुई है उनके पैरों के नीचे। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन, यानी अब मैंने क्या देखा, मैंने एक होली मैन का मतलब होता है एक पवित्र सा आदमी है ठीक है, उसने सारे के सारे जितने तरीके थे वो आजमाए जिससे कि वो पॉइजन को जो जहर है उसको कम कर सके विद एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब होता है जादू, मतलब जितना भी जादू टोना टोटका था वो सब उन्होंने किया जिससे कि उनका जो मेरी माँ का जो दर्द है वो कम हो सके और वो जहर निकल सके। आफ्टर 20 आवर्स, अब 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, उन्होंने जो उसका डंक था जो बिच्छू का डंक था वो अब निकाला ठीक है, वो अब निकल गया, अब वो जहर जो था वो वहीं रुक गया। माई मदर ओनली सेड, अब वो 3 लाइनों में बताता है कि जब जहर निकल गया तो उसकी माँ ने क्या बात बोली, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें एक सीख देकर जाती है। द मदर ओनली सेड, उसकी माँ ने सिर्फ एक बात बोली, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, यानी भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने बिच्छुओं ने मुझे पकड़ा अपनी चपेट में और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इतना दर्द सहन करने के बाद भी निसे मिज़ेकिल कहते हैं कि मेरी माँ ने हमारे बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा और ना कि अपने दर्द को वो बिल्कुल भूल गई ठीक है। तो अब इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पहला है, वॉज इट अ डार्क नाइट, क्या वो एक अंधेरी रात थी, तो आप बोलेंगे यस। अगर आपसे रीज़न पूछता है तो आप कह सकते हैं कि उसमें सभी लोग कैंडल और लालटेन लेकर आ रहे थे तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एक डार्क नाइट थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, क्या वो बहुत लंबे समय से वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो इसका भी आंसर यस होगा क्योंकि वहाँ पर एक जो है 10 घंटे से वहाँ बारिश हो रही थी। फिर कुछ और इंटेक्स क्वेश्चन है, वट ड्रोव द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस, यानी किस चीज़ ने स्कॉर्पियन को घर के अंदर आने पर मजबूर कर दिया, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 10 आवर्स ऑफ रेन, यानी कि जो लंबे समय से बारिश हो रही थी उसने उसे मजबूर किया घर के अंदर आने में। वेयर डिड द स्कॉर्पियन क्रॉल, और जो स्कॉर्पियन है वो रेंगता हुआ कहाँ गया, तो आप लिखेंगे सैक ऑफ राइस ठीक है, बीनीथ द सैक ऑफ राइस, यानी कि जो चावल की बोरी थी उसके पास वो चला गया। अब नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वर्ड फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या है, एक कॉवर्डली एक्शन, अ क्विक एंड सडन एक्शन, अ विग्ड एक्शन, तो इसमें आपको बताना है कि फ्लैश का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, फ्लैश का मतलब होता है एकदम से, अचानक से ठीक है, तो ए क्विक एंड सडन एक्शन।
नेक्स्ट है, व्हाई डज ही कॉल द टेल डायबॉलिक? डायबॉलिक क्यों कहता है वो उसकी पूंछ को? क्योंकि जो पॉइजन है, मतलब डायबॉलिक का मतलब होता है शैतान। शैतान क्यों कहता है? क्योंकि वो जो पूंछ होती है उसकी, उसी से वो किसी इंसान को स्टिंग करता है, यानी कि उसमें जहर फैलाता है। तो इट पॉइजन्स द पर्सन इट स्टिंग्स, ठीक है, इसीलिए उसको डायबॉलिक बोला गया है। कुछ और इंटेक्स क्वेश्चन है, हु केम इन टू द हाउस, यानी घर में फिर कौन आता है? तो आप लिखेंगे द पीजेंट्स, ठीक है, यानी कि जो किसान हैं, जो पड़ोसी उनके थे, वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कॉर्पियन रेफर्ड टू इन द थर्ड लाइन? तीसरी लाइन जो है, थर्ड लाइन जो है, उसमें स्कॉर्पियन को क्या बोला गया है? तो देखो यहाँ पर, इसमें थर्ड लाइन में स्कॉर्पियन को टाइम टू पैरालाइज द ईविल वन, तो यहाँ पर बोला गया है स्कॉर्पियन को ईविल, यानी कि बुरी शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाई डिड द पीजेंट्स से द नेम ऑफ गॉड 100 times, यानी कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने भगवान का नाम 1000 बार क्यों लिया? तो आप इसका आंसर लिखेंगे टू पैरालाइज द ईविल वन, ठीक है। हमने वो अभी पढ़ा था ना कि वो चाहते थे कि ये जो है बिच्छू, ये अगर पैरालाइज हो जाए तो सारा जहर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, हूज शेडोज वर थ्रोन ऑन द वॉल्स, यानी कि वॉल पर जो दीवार थी उस पर किसकी शेडो बन रही थी, किसकी छाया बन रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पीजेंट्स शेडो, जो पीजेंट्स थे उनकी शेडो बन रही थी, और वो ऐसी लग रही थी पोएट को जैसे कि स्कॉर्पियन है, बड़ा सा एक जाइंट स्कॉर्पियन है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द फ्रेज क्लिक्ड देयर टंग, क्लिक्ड देयर टंग का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका आंसर आपको बताना है, द पीजेंट्स वरीज अबाउट द स्टिंग, द पीजेंट्स सोरो फॉर द मदर, द पीजेंट फेलियर टू फाइंड द स्कॉर्पियन। तो इसका मतलब है थर्ड वाला, क्योंकि वो पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो नहीं ढूंढ पा रहे थे कि स्कॉर्पियन कहाँ पर है, तो इसीलिए वो अपनी जो जीभ है उसको चबाने लग जाते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ऐसे ही करते हैं। पिक आउट अ सिमिली एंड अ मेटाफर फ्रॉम द अबव लाइन, आपको एक सिमिली ढूंढनी है और एक मेटाफर ढूंढना है। तो सिमिली में तो हमारा इजी है, सिमिली में हमारा लाइक शब्द आता है या एज आता है। तो यहाँ पर देखो, जो सिमिली है वो ये रही, द पीजेंट केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, यानी कि वो एक मधुमक्खियों के झुंड की तरह आए, लाइक आ गया ना, तो यहाँ पर सिमिली है। और फिर उसके बाद अगर हम मेटाफर की बात करें, मेटाफर में हमारे पास दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, तो थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज, ठीक है, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज, जो पीजेंट्स थे उनका कंपैरिजन एक बहुत बड़े से जायंट स्कॉर्पियन से किया गया है। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स दे सेड हैज़ बीन रिपीटेड, दे सेड जो है ये शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये शब्द 6 बार रिपीट हुआ है, 6 times। नेक्स्ट, हु आर दे इन द अबव लाइन, अब दे से पोएट किसे बुलाता है? तो दे से जो पोएट है वो पीजेंट्स को बुलाता है, ठीक है, दे जो है वो पीजेंट्स हैं, ठीक है, किसान हैं। व्हाई डिड दे वांट द स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल, क्यों चाहते थे दे, मतलब कि वो लोग क्यों चाहते थे कि जो स्कॉर्पियन है वो आराम से बैठ जाए? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि अगर वो ना हिलता, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो हिलेगा, मूवमेंट होगी, तो उतना ही पॉइजन उसकी मदर की बॉडी में फैलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये स्टिल बैठ जाएगा तो ये मूवमेंट नहीं करेगा और तुम्हारी मदर की जो बॉडी है उसमें पॉइजन नहीं जाएगा। अब आपको जो प्रेयर हैं, लेट्स द प्रेयर, एक मिनट, इससे पहले ऊपर वाला, हाँ, द पीजेंट्स इन द अबव लाइन्स आर प्रेइंग फॉर द वुमेन, यानी कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो उसकी माँ के लिए, उस औरत के लिए प्रे करते हैं। दे बिगिन ईच प्रेयर विद द वर्ड मे, अब वो सभी जो प्रेयर्स हैं उनको मे शब्द से स्टार्ट करते हैं। तो रिपीटेटिव यूज़ ऑफ द वर्ड इज़ नोन एज चैंटिंग, तो इससे हमें पीजेंट्स का कंसर्न दिखता है कि वो जो औरत सफ़र कर रही थी उनका क्या कंसर्न था। तो आपको क्या करना है, जो जो प्रेयर्स पीजेंट्स ने की थी मदर के लिए, वो सारी यहाँ पर लिस्ट करनी है, वो सारी यहाँ पर लिखनी है। तो ये आप खुद से करेंगे और इनको लिखेंगे। तो जैसे कि इनमें आपको क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है कि वो चाहते थे कि वो स्टिल बैठ जाए, मे ही सिट स्टिल, है ना, मे ही सिट स्टिल, पहली तो ये वो ये चाहते थे। सेकंड, वो ये चाहते थे कि जो सिंस हैं, जो प्रीवियस बर्थ के सिंस हैं, वो सारे गायब हो जाएं, ठीक है, वो चाहते थे। और इसके अलावा जो मिसफॉर्चून है अगले बर्थ का, जो अगले जन्म का मिसफॉर्चून है, वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी हैं।
अब अगला इसका नेक्स्ट स्टैंजा का 18.5 वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट सेज हिज फादर हु वाज रैशनलिस्ट एंड ट्राइड एवरीथिंग. तो पोएट कहता है कि उसका जो पिता था वो रैशनलिस्ट था और उसने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, सब कुछ ट्राई किया. व्हाई डिड ही डू सो, क्यों उसने ऐसा किया, ताकि वो उसकी माँ को यानी कि अपनी वाइफ को बचा सके. तो इसमें से आपको सही ऑप्शन निकालना है. बिकॉज द फादर हैड चेंज्ड, क्योंकि वो जो पिता था वो बदल चुका था. या बिकॉज द फादर वॉन्टेड टू डू वॉट अदर्स वर डूइंग, क्योंकि वो चाहता था कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी वो करे. बिकॉज द फादर वॉज डीपली कंसर्न, तो थर्ड होगा इसका, क्योंकि इसका पिता जो था वो डीपली कंसर्न था. ठीक है. वाई डिड द मदर फील रिलीव्ड, उसकी जो माँ है वो रिलीव कैसे फील करती है और क्यों फील करती है. बिकॉज द स्कॉर्पियन बिट हर एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, यानी उसके जो स्कॉर्पियन होता है उसने उसे काटा, उसने उसे काटा और उसके बच्चों को स्पेयर कर दिया यानी बख्श दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल है आपके, हु इज़ आई इन द पोएम, आई कौन है. तो आई यहाँ पर पोएट है और पोएट का नाम क्या है, निसिम इज़ेकिल. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम से अबाउट अ मदर, एक माँ के बारे में ये पोएम क्या बताती है. तो ये बताती है कि मदर जो होती है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और ख़ुद से ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं हर दर्द से मुक्त रहें. तो ठीक है, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे, दिस पोएम सेज अबाउट अ मदर दैट मदर लव्स हर चिल्ड्रन मोर देन हरसेल्फ एंड शी वांट्स टू सेव हर चाइल्ड, शी वांट्स टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेन. इनस्टेड शी कैन टेक द पेन ऑन हर ओन सेल्फ, यानी कि वो खुद पर वो दर्द ले सकती है और अपने बच्चों का दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती. तो ये पोएम हमें दो तरीके से सीख देती है. पहली सीख इसमें मिलती है कि कभी भी, मतलब जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो किस तरीके से लोग हमें आकर चीज़ें बताने लग जाते हैं कि ये करो, शायद इस चीज़ की वजह से हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए. ठीक है. और सेकेंड जो इसमें चीज़ है वो है एक माँ का प्यार, किस तरीके से माँ जो है वो अपने बच्चों से प्यार करती है. तो आपको इस पोएम से क्या सीख मिली वो आप कमेंट में बता सकते हैं. तो ये थी आपकी पोएम पूरी की पूरी. लाइक करिए इस वीडियो को अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सीख मिली इससे, क्या मोरल है इसका. और इसके अलावा शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टी एस क्लासेस फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.